मैं उन लोगों को बहुत बहुत मैं उनकी आभारी हूँ, बहुत बहुत मैं उनकी कर्जदार हूँ कि आज भी हमारे साथ लोग खड़े हैं। तो मैं बहुत बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आगे भी हमें ऐसे ही एकजुट रहने की जरूरत है कि और जो हमारी बच्चियां देश में हैं उनको भी इंसाफ मिले, वर्तमान में हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें। जो हमारे साथ एक पग चल के जुड़ा, दो शब्द बोल के जुड़ा, मैं सबकी आभारी हूँ। आप लोगों ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं हर वो कोशिश करूंगी कि मैं एक भी बच्ची को हेल्प करूं और इस समाज में हमारी बच्चियां सुरक्षित हो। सबसे जरूरी है कि हम उस पे काम करें कि जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो ठीक हो। देखिए, तकलीफ होती है, बात वहीं वहीं पहुंच जाती है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी समाज सिस्टम कोई सबक नहीं लिया, लेकिन जो हम बात कहने जा रहे थे वो नहीं कह पाए। जोसफ साहब ने जो शब्द रखा जस्टिस कि समाज में फांसी देने से नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा, इस तरह की मानसिकता रखने वाले ये लोग देशद्रोही हैं। ये देश के लिए नहीं है, इनके शरीर के अंदर देश का अन्न खाते हैं, भारत का अन्न खाते हैं, लेकिन इनके शरीर के अंदर देश का खून नहीं है। देश की दुर्दशा को नहीं देख रहे हैं लोग, बल्कि ये देश की दुर्दशा को बढ़ाने के लिए लोग हैं। साफ तौर पर मैं कह दूं, एक कहना भी एक लगता है कि एक चीज के सामने हम ये बात कर रहे हैं कितना गलत हो सकता है, या सब लोग कहें कि देखो ना कैसे बोल रहा है, लेकिन ये सच्चाई है 100% कि ये लोग देशद्रोही हैं। मानव अधिकार का पैसा खाते हैं, जो मानव अधिकार का विदेश का है उनका पैसा खाते हैं, उनका गुण गाते हैं और क्राइम करते हैं, कराते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। ये इस तरह के लोग हैं, और जब तक ऐसे लोग रहेंगे वो भारत को अस्थिर करते रहेंगे, भारत को स्थिर नहीं रहने देंगे। सब देशद्रोही हैं ये लोग।